नाश्ते का टेस्ट अचार से ही आता है सोना जी, है ना। सुबह के 4:30 बजे क्या हालत है भाई सड़क की, देखो पूरा सुनसान है, ऐसे लग रहा है कितना बड़ा हाईवे है ना। ये मैं हूँ अभी आगरा में, मतलब घर से जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। आप कहोगे भाई 5 बजे क्यों जा रहा ऑफिस की तरफ, अभी बताता हूँ। तो ये जगह वो है जहाँ दिन में ऐसे लगता है मैं गलियों से गुजर रहा हूँ, तंग गलियों से और भीड़ से भरी हुई गली, भीड़ से ना भरी हुई गलियों से, और वहीं उन्हीं जगहों पर अब ये हाल है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राधे राधे और वेलकम बैक टू दी चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। है क्या कि अब ये आज जा रहे हैं एक ट्रिप पर, और ट्रिप पर जब भी हम कहीं जाते हैं आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करते हैं। अब ये क्या है, मेरी पर्सनल ट्रिप नहीं है, ये है ऑफिस ट्रिप। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस पहुँच के वहाँ से हम सब लोग इकट्ठे हो गए और बस से जाएंगे ट्रिप पर। तो अभी सीधे ऑफिस, और ऐसे चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है यार, मतलब ना कोई ट्रैफिक सामने, ना कोई रेड लाइट, ना कोई पुलिस वाला, मतलब मुझे लगता है कि इस समय चलने का बेस्ट टाइम होता है अगर आप पूरी नींद करने के बाद चल रहे हैं, वरना इस समय सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं जो नींद वाली होती है वो भी होती है। तो भाई ट्रिप कहाँ जा रहा है, ये एक सस्पेंस है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको वहाँ पहुँचने के बाद में। इससे पहले वहाँ तक हम बस से जा रहे हैं, तो अभी ऑफिस से जब बस पकड़ेंगे तो उसके बाद आपको मिलेंगे बस के गजब नज़ारे। और हम आगरा दिल्ली हाईवे से जाएंगे, नेशनल हाईवे से, नॉट एक्सप्रेसवे से, नेशनल हाईवे से, जो आगरा दिल्ली नेशनल। भाई बस तो हमारे आने से पहले रेडी है, मतलब पहले ही आ गई यार, एक तो स्टाफ भी आ गया होगा। खैर भाई सुबह निकले हैं, कितनी देर के, ज़्यादातर लोग निकले हैं 4:30 बजे के, बाकी कुछ 4:45 के, तो बहुत रूम कोई भी ढंग से करके नहीं आया। अभी जब यहाँ में रुके हैं हम, ये है गुलशन ढाबा यहाँ पर, अब यहाँ रुके हैं जब, तो सब लोग बहुत रूम के लिए भागे हैं एकदम से। फाइनली रीच भाई द डेस्टिनेशन, पिकनिक डेस्टिनेशन, पूरा रेला जा रहा है हमारा, ये बस यहाँ खड़ी कर दी। सबसे पहले हाथी मिला हमारे स्वागत के लिए, चमक रहा है भाई। एकदम अलग ही चमक है इसमें, है ना, ला लूं। सबसे खास बात यहाँ की क्या है, ये है इस अरावली की एक पहाड़ी रेंज की तलहटी में। अरे फोटो खींच लो ना, सेल्फी ले लो, पड़ती चीज फोटो बनाया। नाश्ते का टेस्ट अचार से ही आता है सोना जी, है ना।
टेंट भी है भाई इसमें, मतलब नाइट में या उसमें जो भी आते हैं टेंट वाली व्यवस्था भी है। ऐसी जगहों की जान क्या होती है मालूम है, ऐसी जगहों की जान होती है सीन्स, तो जो सीन होते हैं जैसे यहाँ पर है पहाड़ी की तलहटी और उस आसपास खेत, इससे जो सीन मिल रहे हैं इसके भाई वो है गजब। आपने कहाँ रखा है नमक? नमक इधर कहीं रखा है शर्मा जी, छोटो भैया नमक मंगा दो। नमक अभी हम लोग उधर जिप लाइन करने जा रहे हैं, इधर कोई ऊपर जिप लाइन है इनकी, तो इससे भाई बाहर निकल जाएं और ये पगडंडी पार करके इस पहाड़ पे जाना पड़ेगा। तो क्या ढूंढवा रहे हैं इनसे आगरा? देखो आगरा ढूंढने के लिए पहले पागल बनना पड़ेगा, फिर पागल खाने जाओगे फिर आगरा में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्या? ये बात मजा आए जिप लाइन में मजा आए। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा भाई, मैं गया हूँ थक। अभी बहुत सारे दो तीन टीमों की एक्टिविटी चल रही, मैं नहीं कर रहा, मैं थक गया हूँ। ये भाई मैन वाइल्ड हॉक गुड़गांव। तो पिकनिक हो गई पूरी और आप देख रहे हो गए आप सब लोग बस की तरफ आ रहे हैं। छोटी सी जगह यार, जगह सही नहीं, मज़ा नहीं आया एक्चुअल में प्रॉपर। तो सब लोग अभी बस में बैठ के अब यहाँ से सीधे रवाना आगरा के लिए। भाई मैं अभी थक गया हूँ, अब ना बस पकड़ता हूँ, मुझे बैठना है बस सीधे। गुलाब है मेरे पास, भाई के पास। बाकी वीडियो कैसी लगी शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। अब हम सीधे आगरा दिल्ली हाईवे पे कहीं रुक के खाना खाएंगे। खाना खाना है भाई यहाँ पे, डिनर का हो गया टाइम भाई। खाना खा लिया, अब यहाँ से सीधे ना बस रवाना होगी ऑफिस के लिए। सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, खा पी के फिर अब हिसाब कर दिया इसका, अब तो बस सीधे ऑफिस के लिए रवाना होना है। बिमल बाबू फाइनली डन भाई, फाइनली डन।
कितने बज गए हैं, लंबी सी सांस ले रहा हूँ मैं। 11:15 बज गए हैं, 11:15 नहीं सॉरी, हाँ 11:15 बज गए हैं और घर पहुँचते पहुँचते बजेंगे 11:30। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना जैसा मैंने बताया। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो, क्योंकि अब मैं रास्ते की क्या दिखाऊंगा, सुबह आते हुए मैंने दिखाई थी, तो फिर वीडियो करते हैं एंड, है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।